हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं बालमुकुंद मौर्य और आप देख रहे हैं ज्ञान एक्सपी। तो आज की क्लास में हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं, डेटा रिप्रेजेंटेशन, जो कि ट्रिपल सी सिलेबस का एक टॉपिक है। इसमें हम डिस्कस करेंगे नंबर सिस्टम, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे काफ़ी सारे क्वेश्चन ट्रिपल सी एग्जाम या अदर कम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर हम इसको बहुत सिंपल तरीके से विद एग्जाम्पल एक्सप्लेन करेंगे, ताकि इस टॉपिक से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है तो आप उसको इजीली सॉल्व कर लेंगे। तो हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हमारे थ्रू जो भी वीडियोस अपलोड होते हैं उसके नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। प्लस आप हमारे चैनल को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं, उनको भी सब्सक्राइब करने के लिए सजेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर ट्रिपल सी से रिलेटेड पूरा कंटेंट मिलेगा, कम्प्लीट सिलेबस विथ प्रैक्टिस टेस्ट के काफ़ी सारे वीडियोज़। ओके, तो आइए सबसे पहले हम समझते हैं कि डेटा रिप्रेजेंटेशन बेसिकली होता क्या है। तो कंप्यूटर डेटा रिप्रेजेंटेशन के लिए बाइनरी भाषा या मीन्स लैंग्वेज का प्रयोग करता है। बाइनरी भाषा में सिर्फ जीरो और वन, दो तरीके के नंबर्स होते हैं या डिजिट्स होते हैं, मिलकर बनता है। यूज़र कंप्यूटर को डेटा या निर्देश देता है, मीन्स इनपुट देता है। कंप्यूटर के द्वारा जो आउटपुट प्राप्त होता है वो टेक्स्ट, नंबर, ऑडियो और वीडियो के फॉर्म में होता है। मीन्स जो इनपुट हम देते हैं वो हमारा किसी भी फॉर्म में हो सकता है, टेक्स्ट, नंबर, इमेज या ऑडियो वीडियो, और प्लस जो आउटपुट मिलता है वो भी हमारा इमेज, टेक्स्ट, ऑडियो वीडियो के फॉर्म में हो सकता है। किसी भी प्रकार का डेटा जो कंप्यूटर में प्रोसेस होता है उसको प्रोसेस करने से पहले सबसे पहले 0-1 के फॉर्म में कन्वर्ट करता है उसको सिस्टम। तो इस कन्वर्जन प्रोसेस को ही हम बोलते हैं डेटा रिप्रेजेंटेशन। तो यहाँ पे लास्ट में लिखा हुआ है 0-1 के रूप में परिवर्तित करने को डेटा रिप्रेजेंटेशन कहते हैं। मीन्स हम जो भी सिस्टम को इनपुट देते हैं वो किसी अलग अलग फॉर्म में हो सकता है, लेकिन उसको प्रोसेस करने से पहले या सिस्टम स्टोर करने से पहले उसको 0-1 के फॉर्म में कन्वर्ट करता है। इस कन्वर्जन प्रोसेस को ही हम बोलते हैं डेटा रिप्रेजेंटेशन। मीन्स हमारे सिस्टम में किस फॉर्म में डेटा स्टोर होगा या प्रोसेस होगा। ओके, तो अब हम यहाँ पे बात करेंगे नंबर सिस्टम की, क्योंकि यहाँ पे बेसिकली नंबर सिस्टम ही मेन टॉपिक है इस टॉपिक का। तो यहाँ पे जो नंबर सिस्टम है वो कई अलग अलग तरीके के होते हैं, तो इसको हम डिटेल में थोड़ा डिस्कस कर लेंगे। तो डेसिमल नंबर सिस्टम, जिसको हम नॉर्मल कैलकुलेशन के लिए यूज करते हैं, वो हमारा नंबर सिस्टम होता है डेसिमल नंबर सिस्टम। इसमें जो डिजिट्स होते हैं 0 to 9 डिजिट्स होती हैं, और इसका जो बेस होता है 10 होता है। आगे चल के आपको बेस समझ में आएगा क्या होता है। जैसे आप सिंपल सा एक एग्जांपल आपको बताते हैं, आप 10 + 11 ऐड करते हैं तो क्या आता है 21। तो आप जब 10 + 11 ऐड करते हैं तो यहाँ नीचे लिखते हैं 1 और बोलते हैं एक कैरी आया, तो जिसको आप आगे फॉरवर्ड करते हैं। तो इस तरीके से क्या होता है कि यहाँ पर 10 कैरी, जब 10 या 10 से ज़्यादा होता है तो एक कैरी जनरेट होता है। तो यहाँ पे क्या है, बेस 10 है, इस वजह से ऐसा होता है। ओके, तो यहाँ पे अगला नंबर सिस्टम है हमारा बाइनरी नंबर सिस्टम, जिसमें सिर्फ दो डिजिट्स होते हैं 0 और 1। इसका बेस होता है 2। ओके, सिर्फ आप अभी इस तरीके से समझते चलिए, आगे डिटेल में हम डिस्कस करेंगे तो ईजिली आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। फिर अगला नंबर सिस्टम एक है हमारा ऑक्टल नंबर सिस्टम, इसमें 0 to 7 डिजिट्स होती हैं और इसका बेस होता है 8। ओके, यहाँ पे नेक्स्ट है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, और इसमें 0 to 8 डिजिट्स होती हैं और इसका बेस होता है 16। अब यहाँ पे 10 हमारा ए होता है, 10 को हम ए से लिखते हैं, 11 को बी से लिखते हैं, 12 को सी से लिखते हैं और 13 को डी से लिखते हैं। इसी तरीके से 14 को ई और 15 को एफ से लिखते हैं। ओके, तो यहाँ तक इजीली समझ में आया होगा कि चार अलग अलग तरीके के नंबर सिस्टम्स होते हैं, डेसिमल, बाइनरी, ऑक्टल और हेक्सा। अब यहाँ पे क्या है कि इन सारे नंबर सिस्टम को किसी दूसरे नंबर सिस्टम में हम कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि जब भी मान लीजिए हम इनपुट कोई डेसिमल नंबर सिस्टम में दे रहे हैं तो डेसिमल नंबर सिस्टम कंप्यूटर को तो समझ आता नहीं है, क्योंकि उसको पता है सिर्फ 0 और 1। तो वो क्या करेगा, सबसे पहले डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करेगा, फिर उसको प्रोसेस करेगा। ऐसे अगर हम ऑक्टल इनपुट देते हैं और सिस्टम से प्रोसेस करना है उस ऑक्टल नंबर को, तो क्या करेगा, सबसे पहले बाइनरी में उसे कन्वर्ट करेगा। इसी तरीके से हेक्सा को भी अगर हम इनपुट देते हैं तो यहाँ पे हेक्सा नंबर भी हमारा पहले बाइनरी में कन्वर्ट होगा, फिर प्रोसेस होगा। ओके, तो एक एक करके हम ये कन्वर्जन कैसे करते हैं उसको समझते हैं विद एग्जाम्पल। तो यहाँ पर सबसे पहले कन्वर्जन ऑफ डेसिमल नंबर सिस्टम टू अदर नंबर सिस्टम। तो यहाँ पर सबसे पहला क्या है, डेसिमल को हमें बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो एक हमने यहाँ पे एग्जांपल लिया है 29, जो कि डेसिमल नंबर है और इसका बेस है 10। यहाँ पे इस तरीके से इसको लिखते हैं, इसको हमें कन्वर्ट करना है बाइनरी में। तो यहाँ पे 29 है डेसिमल नंबर और इसका जो इक्विवेलेंट निकालना है वो बाइनरी में निकालना है। मीन्स बाइनरी में इस नंबर को हमें कन्वर्ट करना है। तो कन्वर्ट करने का जो प्रोसेस है बहुत ही सिंपल प्रोसेस होता है। एक सिंपल सा एग्जाम्पल हमने लिया है। अब जिस नंबर सिस्टम में हमें कन्वर्ट करना होता है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, उसके बेस से हम डिवाइड करते हैं। जैसे कि हमें डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो डेसिमल नंबर सिस्टम को हम पहले क्या करेंगे, इसके बेस से डिवाइड करना स्टार्ट करेंगे।
तो यहाँ पे 29 को 2 से डिवाइड किया तो यहाँ पे क्या होगा कि जो रिमाइंडर आएगा वो आएगा 1। 29 को आप जब डिवाइड करते हैं तो क्या होता है कि 14 टाइम्स ये जाएगा और यहाँ पे जो रिमाइंडर बचेगा 1। आप इसको घर पे करके देखिएगा इजली, आप चाहें तो इसका स्नैपशॉट ले लीजिए और इसको घर पे बैठ के आप पेपर पेन लेके इसको आप सॉल्व करिएगा तो बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा। ओके बस अभी आप देखते रहिए, सारी चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएंगी। तो यहाँ पे एक बार पहले हमने डिवाइड किया तो 14 टाइम्स ये जाएगा और यहाँ पे जो कैरी होगा 1 होगा, इसको हम यहाँ पे लिख लेंगे। फिर अगली बार इस 14 को हम यहाँ पे 2 से फिर अगेन डिवाइड करेंगे 2 से, और यहाँ पे देखिए ये 7 टाइम्स जाएगा और रिमाइंडर होगा हमारा 0, तो हम यहाँ पे रिमाइंडर 0 लिख लेंगे। ओके अगला फिर यहाँ पे इस 7 को फिर से 2 से डिवाइड करेंगे और यहाँ पे 3 टाइम्स जाएगा, रिमाइंडर हमारा होगा 1। अगला फिर इसको 3 को हम 2 से डिवाइड करेंगे और रिमाइंडर यहाँ पे 1 टाइम जाएगा, रिमाइंडर होगा 1। ओके फिर यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो 1 है उसको 2 से डिवाइड करेंगे, 0 टाइम जाएगा और यहाँ पे रिमाइंडर होगा 1। ओके तो यहाँ पे ये रिमाइंडर पार्ट जो भी होता है उसको हमें नोट कर लेना है इस तरीके से। अब क्या करना है, यहाँ पे एक एरो हमने लगाया, इसका एक मतलब है कि यहाँ पे हमें जब भी इसका जब पूरा ये डिवीज़न हो जाए, कंप्लीट हो जाए फाइनली, तो हम क्या करेंगे नीचे से लेके ऊपर तक की नंबर्स को लिखना स्टार्ट करेंगे। जैसे यहाँ पे हमने इसका रिजल्ट लिखा है 1, ये पहले 1 लिख लिया है, फिर ये 1, फिर ये 1, फिर इसके बाद 0 और फिर 1। तो आप समझ रहे होंगे कि नीचे से हमने लिखना स्टार्ट किया, इधर से इस तरीके से लिखेंगे। तो ये क्या है, इस डेसिमल नंबर का जो बाइनरी नंबर है कन्वर्ट होने के बाद ये आता है। तो आगे हम इसको देखेंगे, अगर हम डेसिमल बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट करना चाहें तो कैसे करेंगे। तो इजीली आपको ये समझ में आ गया होगा, इसको अच्छी तरीके से अगर आपको सीखना है तो आप इसी तरीके से एक दो एग्जांपल और ले लीजिए। जैसे आप 36 को 36 डेसिमल नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट करके देखिए कैसे होता है। तो ये आप कहीं नोट डाउन कर लीजिए, इसको आप बाद में करके देखिएगा, और इसको आपको कन्वर्ट करना है, 36 डेसिमल नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट करना है। ओके फिर हम यहाँ पे क्या करते हैं, जो हमारा बाइनरी का रिजल्ट आया था उसको वापस हम डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे ताकि आपको ये समझ में आए कि ये एग्जैक्ट वही नंबर निकल के आएगा। तो यहाँ पे हमें जो आउटपुट मिला था वो ये मिला था, मीन्स जब हमने 29 को कन्वर्ट किया था बाइनरी में तो ये आउट आया था नंबर, या ये रिजल्ट मिला था हमें। अब वापस हमें इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो अब यहाँ पे जो कन्वर्ट करने का प्रोसेस है वो कुछ इस तरीके से होगा, जो भी इसका बेस है उससे हमें मल्टीप्लाई करना है हर एक डिजिट को पावर के साथ में। जैसे पहले डिजिट को हमने यहाँ पे रखा और यहाँ पे 2 की पावर 0 से मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करेंगे, तो 2 की पावर 0 प्लस लगाएंगे, फिर अगली डिजिट को यहाँ पे लिखेंगे जैसा कि हमने यहाँ पे लिखा है, और फिर 2 की पावर 1 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे 2 की पावर हमारी इंक्रीज करती जाएगी। फिर अगला क्या है, 1, ये देखिए यहाँ पे, और 2 की पावर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर प्लस करेंगे। फिर अगला डिजिट उठाएंगे, यहाँ पे 1 है, और 2 की पावर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। फिर अगला जो भी डिजिट है उसको यहाँ पे, और 2 के पावर 4 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे। फिर इसको एक एक करके सॉल्व करेंगे, जैसे यहाँ पे इन दोनों को मल्टीप्लाई करके अगर सॉल्व करते हैं तो 16 आता है, यहाँ पे इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो 8 आएगा, यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा हमारा 4, और यहाँ पे 0 आएगा। और इसको अगर सॉल्व करेंगे, 2 की पावर 0 है तो किसी भी नंबर की पावर अगर 0 होती है तो ऑटोमेटिकली वो 1 हो जाता है, 1 × 1, तो इट मीन्स यहाँ पे 1 हो जाएगा। अब इन सारे नंबर्स को अगर हम ऐड करते हैं तो 29 आता है, मीन्स जो हमने 29 को कन्वर्ट किया था बाइनरी में उसको वापस बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट किया तो हमें एग्जैक्ट वही नंबर मिल रहा है, इट मीन्स हमें जो रिजल्ट मिला था वो करेक्ट रिजल्ट था। तो यहाँ पे आपको दो चीज़ें क्लियर हो गई होंगी कि डेसिमल नंबर को बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करना है, या बाइनरी को डेसिमल नंबर में कैसे कन्वर्ट करना है। अब एक हम यहाँ पे आपको शॉर्ट ट्रिक बता रहे हैं कि अगर आप इस तरीके से कैलकुलेशन नहीं करना चाहते हैं तो बहुत सिंपल सा तरीका होता है, उससे आप इसको इजीली सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि आप एग्ज़ाम में शॉर्ट ट्रिक ही ज़्यादा काम आती हैं। ये मैनुअल तरीका है, अगर आपको कहीं एक्सप्लेन करना है तो आप ये मैनुअल मेथड यूज करेंगे, लेकिन अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में इसका आंसर देना है तो आप इस शॉर्ट ट्रिक को यूज करिएगा जो अभी बताने वाले हैं। ओके तो यहाँ पे कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं, बहुत सिंपल सा एक मेथड होता है। यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले 1, 2, 4, 8, 16, जितना बड़ा नंबर होगा उतना हम यहाँ पे लिखते जाएंगे। जैसे 16 के बाद आएगा 32, यहाँ पे देखिए 2 के मल्टीपल में है सारा कुछ, जैसे यहाँ पे 2 × 4, 4 × 2 8, और 8 × 2 16, और 16 × 2 32, फिर यहाँ पे 64, ऐसे इस तरीके से बढ़ता जाएगा ये 128, 256, 512, इस तरीके से नंबर्स बढ़ते जाएंगे। अब हमें क्या करना है, जैसे 29 हमारे पास है उसको हमें बाइनरी में कन्वर्ट करना है, 29 एक डेसिमल नंबर है इसको हमें बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे उन नंबर्स को सेलेक्ट करेंगे जिनको मिला के हम 29 बना सकते हैं।
जैसे 16, 8, 4 और 1, इन सबको अगर हम ऐड करते हैं तो क्या मिलता है हमें, 29। आप चाहें तो ऐड करके देख लीजिए, यहाँ पे 16 प्लस 8 प्लस 4 प्लस 1, ये ऐड करेंगे तो 29 आएगा। फिर यहाँ पे जिन जिन नंबर्स को ऐड करने पे 29 मिलता है, सिर्फ उसके नीचे हमें 1 प्लेस करना है। देखिए यहाँ पे भी 1 प्लेस किया, यहाँ पे भी 1 प्लेस किया, यहाँ पे भी 1 प्लेस किया, ओके। और जो भी बीच में नंबर्स बचते हैं जिसको हम यूज़ नहीं कर रहे हैं, या इस एडिशन के लिए ये नंबर यूज़ नहीं हुआ है, तो उसके नीचे हम क्या रखेंगे, 0। तो ये हमारा क्या होगा, इस 29 का बाइनरी बन जाएगा, ओके। इसी तरीके से मान लीजिए हमारे पास एक बाइनरी नंबर है और उसको हमें डेसिमल में कन्वर्ट करना है, ये हमारा बाइनरी नंबर है और इसको हमें डेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो बहुत सिंपल सा मेथड है, 1, 2, 4, 8। अब यहाँ पे 4 डिजिट हैं तो यहाँ पे हमने 4 अलग अलग लिख लिए, सेम यही मेथड अप्लाई करेंगे। अब देखिए जहाँ जहाँ पे 1 है वहाँ वहाँ पे 1 प्लेस कर देंगे इसको सिंपली, इसी तरीके से 1 1। अब यहाँ पे देखिए कौन कौन सा नंबर यूज हुआ है, जैसे 1 यूज हो रहा है, 1 के नीचे 1 है, 4 के नीचे 1 है और 8 के नीचे 1 है, तो इन नंबर्स को हम ऐड करेंगे सिंपली, तो यहाँ पे 8 4 12 हो जाएगा और 1 13। तो यहाँ पे क्या है, ये जो हमारा बाइनरी नंबर है इसका जो इक्विवेलेंट डेसिमल होगा वो क्या होगा, 13। तो यहाँ पे दोनों आप कर सकते हैं, बाइनरी से डेसिमल भी कर पाएंगे और डेसिमल से बाइनरी भी कर पाएंगे इस मेथड से। तो ये बहुत अच्छी शॉर्ट ट्रिक है, आप इसको अच्छी तरीके से समझ लीजिए। अगर एक बार में समझ में नहीं आया तो वीडियो को दोबारा से प्ले करके ये मेथड सीख लीजिए, क्योंकि ये एग्ज़ाम में काम आएगा, ओके। तो अब यहाँ पे हमने सीख लिया है बाइनरी टू डेसिमल, डेसिमल टू बाइनरी। अब आगे हम बात करेंगे डेसिमल टू ऑक्टल कैसे कन्वर्ट करते हैं। ऑक्टल हमारा एक नंबर सिस्टम होता है जिसका बेस होता है 8, तो हम यहाँ पे बाइनरी नंबर सिस्टम वाला सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे। देखिए यहाँ पे क्या है, हमारे पास है 29 जो कि डेसिमल नंबर है, इसको हमें इक्विवेलेंट ऑक्टल नंबर में कन्वर्ट करना है। तो हम क्या करेंगे, डेसिमल नंबर सिस्टम को इसके बेस से डिवाइड करते हैं, तो यहाँ पे 29 को 8 से डिवाइड करेंगे तो ये 3 टाइम जाएगा और यहाँ पे जो रिमाइंडर बचेगा होगा 5, ओके। फिर इस 3 को हम फिर अगेन 8 से डिवाइड करेंगे तो ये 0 टाइम जाएगा, रिमाइंडर बचेगा 3। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है, सेम वही मेथड हमें नीचे से लेके ऊपर की तरफ लिखना है, तो सबसे पहले 3 फिर 5। तो यहाँ पे ये 29 डेसिमल का जो इक्विवेलेंट ऑक्टल होगा वो होगा 35, ओके। यहाँ पे ये कन्वर्ट हो गया। अब हमें वापस क्या करना है, इस ऑक्टल नंबर को हमें कन्वर्ट करना है डेसिमल में। अभी हमने क्या किया है, डेसिमल से ऑक्टल में किया है, अब हमें वापस क्या करना है, ऑक्टल से डेसिमल में करना है। तो यहाँ पे ये हमारे पास एक नंबर है जिसको हमें कन्वर्ट करना है इसमें, तो यहाँ पे देखिए सेम वही मेथड अप्लाई करेंगे, जैसे वहाँ बेस 2 था तो वहाँ पे 2 यूज कर रहे थे, यहाँ पे बेस 8 है तो यहाँ पे 8 यूज करेंगे। तो देखिए यहाँ पे पहले डिजिट क्या है, 5 × 8 की पावर 0 प्लस अगली डिजिट लिखेंगे और यहाँ पे 8 की पावर इंक्रीज करती जाएगी, 1 1 1 1 करके आगे बढ़ता जाएगा। तो यहाँ पे सिर्फ 2 ही डिजिट हैं तो यहाँ पे 8 की पावर 1 आ गया। फिर अगर आगे कोई और डिजिट होती तो यहाँ पे क्या करते हैं, प्लस उस डिजिट का नंबर × 8 की पावर 2। तो यहाँ पे सिर्फ 2 हैं तो यही सॉल्व करेंगे अभी। अब देखिए 8 की पावर 0 है तो ये क्या हो जाएगा, 1 × 5, तो यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, 5। तो यहाँ पे ऑलरेडी हमने लिख रखा है 5। फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 8 की पावर 1 है तो 8 हो जाएगा और ये आएगा हमारा 24। तो यहाँ पे 24 + 5 कितना मिलेगा, 29। तो यहाँ पे ये समझ में आ गया होगा कि ऑक्टल से हमें डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करना है, बहुत सिंपल सा मेथड है। अब देखिए ऑक्टल से बाइनरी में कन्वर्ट करना और ज़्यादा ईजी होता है। अब बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करेंगे ऑक्टल को, अभी हमने सीखा है डेसिमल टू ऑक्टल, ऑक्टल टू डेसिमल, अब हम सीखेंगे ऑक्टल टू बाइनरी कैसे करते हैं। तो यहाँ पे ये हमारे पास ऑक्टल नंबर है, इसको बाइनरी में कन्वर्ट करना है, तो सिंपल सा तरीका ये होता है कि इसकी जितनी भी डिजिट्स होती हैं उनका इंडिविजुअल बाइनरी नंबर आप लिख लीजिए, ओके। तो यहाँ पे 5 का बाइनरी अगर रखेंगे तो ये आएगा, आप चाहें तो ये वाला मेथड अप्लाई करके, आप अगर आपके पास कोई बड़ा नंबर है तो इस तरीके से आप ये वाला मेथड अप्लाई कर सकते हैं, कहीं भी अप्लाई हो जाएगा ये। अब यहाँ पे 5 का अगर हमें बाइनरी निकालना है तो हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पे 1 पुट करेंगे, यहाँ पे 1 पुट करेंगे, इन दोनों को यूज करके 5 बना सकते हैं और यहाँ पे 0। तो ये देखिए 5 का जो भी हमने बाइनरी लिखा है वो यहाँ से निकल के आ रहा है। इसी तरीके से अगर आप 3 का बाइनरी निकालना चाहते हैं तो यहाँ पे क्या है, 2 और 1 को ऐड करके हम 3 बना सकते हैं, तो यहाँ पे देखिए इसका बाइनरी लिखा हुआ है। तो सिंपली क्या है, अब हर एक डिजिट का हमें सिर्फ सिंपली बाइनरी नंबर लिख लेना है, उसके बाद इसको एक साथ कंबाइन करके लिखेंगे तो क्या होगा,
ऑक्टल का इक्विवेलेंट बाइनरी निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 101 है, लास्ट में आपको 101 दिखेगा, फिर यहाँ पे 11 है तो यहाँ पे 11। अब ये क्या है हमारा ऑक्टल इक्विवेलेंट बाइनरी नंबर निकल के आ गया। बहुत सिंपल सा, कोई कैलकुलेशन अप्लाई नहीं किया और बहुत सिंपल तरीके से इसका रिजल्ट मिल गया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको आप अच्छी तरीके से देख लीजिए, क्योंकि कई एग्जाम्स में इससे रिलेटेड कई सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और मैं बहुत सिंपल मेथड में आपको बता रहा हूँ। तब भी अगर कोई क्वेरी होती है तो आप हमें व्हाट्सएप पे ज्वाइन करके पूछ सकते हैं या आप कमेंट में भी पूछ सकते हैं। अब हम यहाँ पे सीखेंगे डेसिमल टू हेक्सा कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो ये भी यहाँ पे क्या है, हेक्सा नंबर जो होता है उसका बेस होता है 16 और यहाँ पे डिजिट्स कितनी होती हैं 0 to F। तो यहाँ पे हमने एक थोड़ा सा बड़ा नंबर लिया है क्योंकि यहाँ पे बेस ज़्यादा है तो इसको डिवाइड करना है, तो हम थोड़ा सा बड़ा एक नंबर ले लेते हैं, 45 हमने लिया है। और यहाँ पे सिंपल से नंबर ले रहे हैं ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। आप कॉम्प्लेक्स नंबर लेके भी सॉल्व करिए, कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमें व्हाट्सएप पे कम्युनिकेट करके, आप मैसेज करके पूछ सकते हैं किस तरीके से इसको सॉल्व करना है। ओके, यहाँ पे तो अब हमें क्या करना है, 45 जो कि डेसिमल नंबर है इसको हमें हेक्सा में कन्वर्ट करना है। तो हम क्या करेंगे, सेम वही मेथड अप्लाई करेंगे जो बाइनरी और ऑक्टल में अप्लाई किया था, वही हेक्सा के लिए अप्लाई करेंगे। इसके बेस से डेसिमल नंबर को डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पे 45 डिवाइड बाई 16 और ये कितने टाइम्स जाएगा, 2 टाइम जाएगा, और इसमें जो रिमाइंडर आएगा वो होगा 13, और 13 को हम यहाँ पे हेक्सा में लिखते हैं डी से, जैसा कि हमने बोला था कि 10 को ए से लिखते हैं। 0 to 9 नंबर होते हैं इसमें, 0 to 9 नंबर्स होते हैं, और इसके बाद की जो डिजिट होती हैं 10, 11, 12, 13 और 14 और 15, इनको हम इस तरीके से लिखते हैं ए बी सी डी ई और एफ। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे 13 क्या है हमारा, डी होता है, तो यहाँ पे हमने डी लिख दिया इसकी जगह पे, क्योंकि हमें सिर्फ डी लिखना है, 13 नहीं लिखना होता है। ओके, फिर यहाँ पे ये जो 13 है यहाँ पे कितने टाइम्स किया, 2 टाइम, तो इस 2 को अगेन हमें 16 से डिवाइड करना है, तो यहाँ पे कितने टाइम जाएगा, 0 टाइम जाएगा, जो रिमाइंडर बचेगा वो होगा 2। तो यहाँ पे वापस फिर उसी तरीके से हमें लिखना है, नीचे से लेके ऊपर की तरफ एरो, यहाँ इसी वजह से हमने यहाँ पे लगाया है। तो इसका जो रिजल्ट लिखना है वो हमें 2D, ये डी लिखना है और ये 2 लिखना है, तो सबसे पहले 2 और उसके बाद डी। तो यहाँ पे 45 जो कि डेसिमल नंबर है इसका इक्विवेलेंट हेक्सा नंबर होगा हमारा 2D। ओके, तो अब वापस हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो हमारा हेक्सा नंबर है उसको हम वापस डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। वो देखिए कैसे, सेम वही मेथड अप्लाई करेंगे यहाँ पे, जैसा कि हम बाइनरी ऑक्टल के लिए साथ करते आए हैं, सेम वही मेथड है यहाँ पे। अब इसके बेस से हमें एक एक डिजिट को मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करने से पहले जो डी होता है उसको हमें इसी फॉर्म में वापस कर देना है। मीन्स जैसे डी 13 होता है, तो यहाँ पे 13 × 16 की पावर 0 प्लस अगला डिजिट और 16 की पावर 1 यहाँ पे हो जाएगा। पहले 0 से स्टार्ट होता है, फिर 1, फिर 2, फिर 3, इस तरीके से एक एक करके इंक्रीज करता जाएगा। जितनी नंबर ऑफ डिजिट होंगे उतने टाइम से इंक्रीज करता जाएगा 1 1। तो यहाँ पे सिर्फ 2 हैं, तो 16 की पावर 1 तक हुआ। अब यहाँ पे इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो किसी भी नंबर की पावर 0 होती है तो वो 1 हो जाता है × 13। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 13 ऑलरेडी हमने यहाँ पे लिख दिया है, फिर 16 × 2 ये हो जाएगा हमारा 32, और इन दोनों को अगर ऐड करेंगे तो हमें आउटपुट मिलेगा 45। तो समझ में आ गया होगा आई होप कि हेक्सा को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करना है। अब यहाँ पे हम सीखेंगे हेक्सा नंबर को बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करना है। तो देखिए यहाँ पे ये हमारा हेक्सा नंबर है और यहाँ पे इसको इक्विवेलेंट बाइनरी निकालना है। तो सेम वही ऑक्टल वाला मेथड यहाँ पे हमें अप्लाई करना है, हर एक डिजिट का इंडिविजुअल बाइनरी नंबर हमें यहाँ पे लिखना है। ओके, तो यहाँ पे देखिए डी है 13, 13 को हम यहाँ पे बाइनरी निकालेंगे इसी मेथड से, 1, 2, 4, 8 और 16। तो यहाँ पे देखिए 13 को अगर हम बाइनरी निकालते हैं तो ये होगा 8, 8, 4 और 1, और यहाँ पे 0 हो जाएगा। इन नंबर्स को अगर हम ऐड करते हैं तो क्या मिलता है हमें, 13, तो यहाँ पे देखिए आपको इजीली निकल के आ रहा है यही सेम। फिर यहाँ पे 2 का बाइनरी है, तो यहाँ पे 2 की जगह पे यहाँ पे एक मिस्टेक है, 0 होना चाहिए इस जगह पे, क्योंकि 2 का बाइनरी होगा 1 0, और यहाँ पे हम इसको 4 डिजिट में रखते हैं। हालांकि आगे जो भी 0 लगते हैं उसका कोई मतलब नहीं होता है, तो यहाँ पे ये हो जाएगा 0 1। अब इसको वापस हम यहाँ पे रिजल्ट रख देंगे, क्या है, सबसे पहले 0 1 0 1 1, तो यहाँ पे 1 0 1 1 ये हो जाएगा, और इस जगह पे होगा 0। ये थोड़ी सी मिस्टेक है, इसको आप सही कर लीजिए, तो यहाँ पे 1 0 1 1 0 1, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। ओके, तो ये हेक्सा से बाइनरी में इजिली हमने कन्वर्ट कर लिया, सिंपली आपको उसका बाइनरी नंबर लिखना रहता है। तो अब यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे बी सी डी।
आप इसी तरीके काफ़ी सारे एग्जांपल्स लेके खुद से सॉल्व करिए। कोई प्रॉब्लम होती है तो आप हमें व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं, या आप हमें कमेंट करके सिंपली क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। आप ये आपको सिर्फ यहाँ पे प्रैक्टिस करनी है। मैंने सारे नंबर कन्वर्जन आपको इजीली बता दिए हैं किस तरीके से होना है, और आपको सिर्फ प्रैक्टिस करनी है। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, ये सारे मेथड्स अभी तो समझ में आए, उसके बाद आप भूल जाएंगे। तो मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप अगर इसको सीखना ही चाहते हैं तो आप एक दो बार प्रैक्टिस कर लीजिए। इंटरेस्टिंग भी है, आपको इससे काफ़ी इंटरेस्ट आएगा और काफ़ी कुछ नया सीखने को मिलेगा। वापस एक और यहाँ पे कॉन्सेप्ट छूटा हुआ है, मैं बता दे रहा हूँ। जैसे हमारे पास कोई बाइनरी है, उसको हेक्सा में कन्वर्ट करना है। मान लीजिए ये हमारा बाइनरी नंबर है और इसको हम हेक्सा में कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि सिंपली जो भी इसको कन्वर्ट करना है, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, फोर फोर का पेयर बना लेंगे। जैसे एक ये पेयर हो जाएगा फोर का, यहाँ पे देखिए थ्री है, तो यहाँ पे हम एक जीरो आगे ऐड कर देंगे। जब भी किसी नंबर के आगे जीरो ऐड होता है तो उसका कोई मतलब नहीं होता, लेकिन यहाँ पे एक फोर का पेयर बन रहा है। तो यहाँ पे देखिए ये किस पार्टिकुलर नंबर का बाइनरी है, वो पहले आप देख लीजिए। तो ये बाइनरी हमारा 13 का है, तो यहाँ पे 13 मीन्स यहाँ पे हो जाएगा डी। और यहाँ पे ये किस पार्टिकुलर नंबर का बाइनरी है, तो यहाँ पे देखिए ये होगा हमारा 6 6 का। अगर यहाँ पे रख के देखेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 1 1 और 0। तो ये क्या हो जाएगा, 4 और 2 6, तो यहाँ पे 0 6 आ जाएगा। तो यहाँ पे इसका जो इक्विवेलेंट हेक्सा बनेगा वो होगा 6D। आई होप समझ में आ रहा होगा मैं जो कहना चाह रहा हूँ, हमें बाइनरी को हेक्सा में कैसे कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले क्या करना है, फोर फोर के पेयर्स बना लेने हैं हमें, और फिर उन पेयर्स का जो भी डेसिमल नंबर आता है वो हमें यहाँ पे लिख देना है। जैसे इस फोर पेयर को हम देखें तो ये 13 होता है, तो हमने इसको डी लिख दिया है। और इस अगले फोर पेयर को देखें तो यहाँ पे हमारा ये बनता है 6, तो यहाँ पे 6D। इस बाइनरी नंबर का जो इक्विवेलेंट हेक्सा नंबर होगा वो आएगा 6D। ओके, तो अब हम यहाँ पे एक और नंबर सिस्टम होता है एक तरीके से, जो हमारे सिस्टम में जो भी अल्फाबेट्स होते हैं, सॉरी नंबर्स होते हैं, उनको रिप्रेजेंट करने के लिए इसको यूज करते हैं, बाइनरी कोडेड डेसिमल। इसका शॉर्ट फॉर्म होता है BCD, और कई बार एग्जाम में इसका फुल फॉर्म पूछा गया है, तो आप इसको भी अच्छी तरीके से याद कर लीजिए। BCD का फुल फॉर्म होता है बाइनरी कोडेड डेसिमल। तो ये बाइनरी कोडेड डेसिमल जो हमारा सिस्टम होता है एक तरीके का, ये क्या करता है, 0 to 9 नंबर्स को मशीन में या हमारे सिस्टम में रिप्रेजेंट करने के लिए इसको यूज करते हैं। और ये बहुत सिंपल सा मेथड होता है। ये क्या करता है, सिंपली जो भी हमारे डेसिमल नंबर्स होते हैं उनकी हर एक डिजिट को फोर फोर पेयर में इंडिविजुअली बाइनरी नंबर लिख देना है, और ये हमारा इसका BCD हो जाएगा। जैसे यहाँ पे एक नंबर हमने लिया है 1 2 3 1 4, और ये हमारा एक डेसिमल नंबर है। इसके इक्विवेलेंट अगर हमें BCD नंबर निकालना है, तो हम क्या करेंगे, हर एक डिजिट का सिर्फ बाइनरी नंबर लिखेंगे। जैसे 1 का एक इंडिविजुअल बाइनरी नंबर लिखा, 2 का लिखा, फिर 3 का लिखा, फिर 1 का लिखा यहाँ पे, और 4 का। अब जो भी आउटपुट आ रहा है उसको हमें कंबाइन करके लिख देना है सिंपली, और ये हो जाएगा इस डेसिमल का इक्विवेलेंट बाइनरी नंबर। तो ये होता है हमारा BCD। अगर इस कन्वर्जन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है, कुछ लिखा होता है कि ये इस डेसिमल है और इसके इक्विवेलेंट BCD क्या होगा, तो बहुत सिंपल है निकालना। सिंपली आपको हर एक डिजिट का एक बाइनरी नंबर लिख देना है 4 डिजिट के फॉर्म में। अगर वो 4 नहीं बन रहा है तो यहाँ पे आपको 0 लगा देना है। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 4 का पेयर नहीं बन रहा है तो हमने यहाँ पे 0 लगा दिया आगे। इसी तरीके से यहाँ पे सिर्फ 1 आ रहा था, लेकिन इसको 4 पेयर में कंप्लीट करना है, तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, 3 टाइम 0 लगा रहे हैं। ऐसे 3 में भी 1 0 लगा दिया, 2 में 2 0 लगा दिए, और 1 में 3 0 लगा दिया। तो यहाँ पे आपको 4 4 पेयर्स को कंप्लीट करना है, ये आप अच्छी तरीके से ध्यान रखिएगा। और ये डेसिमल इक्विवेलेंट BCD हो जाएगा, और BCD का फुल फॉर्म होता है बाइनरी कोडेड डेसिमल। ओके, अब हम बात करेंगे ASCII। इसका कई बार फुल फॉर्म एग्जाम में पूछा गया है, तो अच्छी तरीके से इसको समझ लीजिए। इसका फुल फॉर्म होता है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, और ये कई बार एग्जाम में पूछा गया, तो इसको अलग से कहीं नोट डाउन कर लीजिए। और ये हमारे दो अलग अलग तरीके के आते हैं, जो हमारा एक होता है ASCII 7, जो 7 बिट स्टैंडर्ड कोड होता है। तो इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है कि जो ASCII 7 होता है वो कितने बिट का होता है। तो ये 7 बिट का कोड होता है, और ये मैक्सिमम 128 कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज किया जा सकता है। मीन्स हमारे जो भी कैरेक्टर्स होते हैं, या अल्फ़ाबेट्स होते हैं, या स्पेशल सिंबल्स होते हैं, नंबर्स होते हैं, उनको रिप्रेजेंट करने के लिए ASCII वैल्यू यूज होती है। और यहाँ पे हर एक नंबर या कैरेक्टर्स का एक अलग ASCII वैल्यू होता है। जैसे हम 97 की बात करें, तो यहाँ पे 97 65, जैसे कैपिटल ए होता है तो उसका होता है 65,
और जो स्मॉल ए होता है उसका स्काई वैल्यू होता है 97। तो इसी तरीके से जितने भी नंबर्स या स्पेशल कैरेक्टर्स या सिंबल्स होते हैं उन सबका एक स्काई वैल्यू होता है। तो यहाँ पे जो स्काई 7 है इसका जो साइज है वो 7 बिट का होता है, इसमें मैक्सिमम 128 कैरेक्टर्स इससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसी तरीके से स्काई 8 जो है वो 8 बिट का होता है, इससे हम 256 कैरेक्टर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मीन्स 256 डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टर्स को हम इस स्काई वैल्यू से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये 8 क्या है, बेसिकली 7 का हमारा एक एडवांस वर्जन है जिसकी कैपेसिटी जस्ट डबल है 128 × 2, तो 256 मिलेगा, इसकी कैपेसिटी डबल हो जाती है, इसमें हम नंबर ऑफ कैरेक्टर्स ज़्यादा रिप्रेजेंट कर पाते हैं। ओके, अब एक और क्वेश्चन पूछा जाता है मोस्टली, इसका फुल फॉर्म ही मोस्टली पूछा गया है एग्जाम्स में, EBCDIC इसका फुल फॉर्म पूछा गया है कई बार एग्जाम में। तो इसका होता है एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड, इसका फुल फॉर्म है, इसको कहीं पे नोट डाउन कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। और ये भी क्या करता है, 256 डिफरेंट कैरेक्टर स्पेशल सिंबल नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए इस कोड को यूज किया जाता है सिस्टम में, मींस कंप्यूटर में रिप्रेजेंट करने के लिए यूज करते हैं। ओके, तो इस अब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कल के क्वेश्चंस। तो यहाँ पे जो कल हमने क्लास ली थी उसमें काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछे थे, उनके आंसर्स हम यहाँ पे आपको बता दे रहे हैं। जैसे ट्रांसलेटर फॉर लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वर्ड टर्म, तो यहाँ पे क्या होता है असेंबलर। क्वेश्चन है लाइनेक्स, तो लाइनेक्स क्या है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम है, तो यहाँ पे पहला ऑप्शन करेक्ट है। अगला है दो या दो अधिक प्रोग्राम को एक साथ प्रोसेसिंग की प्रक्रिया कहलाती है, तो अगर एक से ज़्यादा प्रोग्राम एक साथ प्रोसेस होते हैं तो उसको हम बोलते हैं मल्टी प्रोग्रामिंग, तो यहाँ पे पहला ऑप्शन करेक्ट है, मल्टी प्रोग्रामिंग ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है एमएस वर्ड उदाहरण है, तो एमएस वर्ड क्या है, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, तो यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है एक समय में एक कथन को कन्वर्ट और एग्जीक्यूट करता है, तो यहाँ पे ये ट्रांसलेटर से रिलेटेड क्वेश्चन है। हमने कल आपको क्लास में बताया था कि एक हमारा होता है कंपाइलर, एक होता है इंटरप्रेटर, तो इंटरप्रेटर क्या करता है, लाइन बाय लाइन मशीन रीड करता है, उसको मशीन कोड में कन्वर्ट करता है, जबकि कंपाइलर क्या करता है, पूरे प्रोग्राम को एक साथ रीड करता है फिर उसको मशीन कोड में कन्वर्ट करता है। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे इंटरप्रेटर ऑप्शन डी करेक्ट ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन है लाइनेक्स किस किस्म का सॉफ्टवेयर है, तो लाइनेक्स क्या है, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है, क्योंकि ये ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। तो यहाँ पे शायद ये नहीं पूछा गया है, ये पूछा गया है कि ये ओपन सोर्स है या पेड है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन है, तो यहाँ पे ये ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, जो लाइनेक्स है हमारा वो फ्रीवेयर है, ओपन सोर्स है, इसके लिए हमें कोई लाइसेंस की ज़रूरत नहीं होती है। अगला क्वेश्चन है वह भाषा जिसे कंप्यूटर बिना लैंग्वेज ट्रांसलेटर प्रोग्राम को समझता है कहलाती है, तो हमारी एक ही लैंग्वेज होती है जिसको कंप्यूटर समझता है, वो होती है मशीन भाषा, तो यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट है। ओके, तो आज के क्वेश्चन हम देख लेते हैं, यहाँ पे हमने प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चन आपको दिए हैं। जैसे कन्वर्ट करना है 31 जो कि डेसिमल में है, इसको बाइनरी में कन्वर्ट करना है, इसका स्नैपशॉट आप मोबाइल फ़ोन से ले लीजिए, कहीं पे नोट डाउन करिए, इनको सॉल्व करिए, इसके जो भी रिजल्ट्स आते हैं वो हमें कल या अभी कमेंट करके बताइएगा। जब भी आप इसको सॉल्व कर लेते हैं आप इसी वीडियो के कमेंट में कमेंट कर दीजिएगा, अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप हमें पूछ लिए, तो अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। क्वेश्चन पूछने के लिए ज्ञान एक्सपी #ट्रैक लगा के आप पूछेंगे तो मैं को इजीली फाइंड आउट कर लूँगा, उसका जो भी आंसर होगा जल्दी से जल्दी मैं रिप्लाई कर दूंगा। प्लस ये वीडियो अगर पसंद आया तो नीचे देखिए लाइक बटन ब्लैक कलर का दिया होगा, उसको प्रेस करके नीला कर दीजिए, और साथ में अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा, और अगर इससे रिलेटेड कुछ पूछना है तो आप हमारे व्हाट्सएप को ज्वाइन करके आप हमें क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, साथ में आप हमारे फेसबुक पेज को भी ज्वाइन कर सकते हैं, ट्विटर पर भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, कोई क्वेश्चन है तो आप हमें मेल कर सकते हैं info@gmail.com। ओके, तो उम्मीद करते हैं आप लोग जो भी आज क्वेश्चन पूछे गए उनके सारे के सारे आंसर्स आप कमेंट करके ज़रूर बताओगे, प्लस साथ में ये वीडियो कैसा लगा वो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, और लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।